नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल डेरा सच्चा सौदा, जो वर्षों तक नए नए कारनामे कर सुर्खियों में रहा। वो कारनामे भी कई तरह के थे, जिसका परिणाम कई तरह से रहा। और वो परिणाम थे कि डेरा प्रमुख को कई संस्थाओं ने सम्मानित किया, कई विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज करवाए गए। इनमें सच्चाई कहां तक है ये अलग बात है, लेकिन डेरा फिर से चर्चा में है क्योंकि साध्वी यौन शोषण मामले में और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहे डेरा मुखी अपनी खेती बाड़ी संभालने के लिए जेल से पैरोल पर आना चाहते हैं। अब इतने संवेदनशील मामलों में उन्हें सजा मिली है तो सुर्खियों में आना भी लाजमी है। बताया जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने हरियाणा के सिरसा में डेरे की खेती बाड़ी संभालने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए पैरोल मांगी है। 42 दिनों के लिए पैरोल के लिए उनके आवेदन के बाद जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनके प्रति रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि गुरमीत को पैरोल पर रिहा करना संभव होगा या नहीं, क्योंकि अभी डेरा प्रमुख रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है। हालांकि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर प्रशासन को निर्णय लेना बाकी है, लेकिन इसी बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि उसे पैरोल मांगने का अधिकार है और साथ ही कहा कि पैरोल पर भी वह मांग सकता है, ये उसका हक है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी कैदी जेल अधीक्षक से पैरोल मांग सकता है और जेल अधीक्षक उसे जिला उपायुक्त को भेजता है, जहां से वह पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती है, जिसके बाद में अंतिम अनुमति जो है डिवीजन कमिश्नर लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार द्वारा कोई निर्णय लेने की बात आएगी तो प्रदेश के हित को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। हालांकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सूत्रों के अनुसार पत्र में यह भी बताया गया है कि उसका जेल में आचरण अच्छा रहा है। अब जिला प्रशासन उसके बारे में क्या सोचता है और पैरोल के लिए उनकी अनुशंसा करता है या नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि सिरसा के तहसीलदार ने एक रिपोर्ट में बताया है कि डेरे के पास कुल 250 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से बाबा राम रहीम मालिक या काश्तकार नहीं है। यानी पूरी की पूरी भूमि, जो सारी भूमि है, वो डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट के नाम है। और इसे एक आधार माना जा रहा है कि प्रशासन की नज़र में इसे आधार माना जा रहा है कि पैरोल इन्हें नहीं मिल सकती। खैर, इस पर क्या फैसला आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर गुरमीत जेल जाने से पहले डेरा प्रमुख खेतीबाड़ी करते थे या नहीं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे इस समय पैरोल मांगने के बाद कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जो ये बताना चाहते हैं कि डेरा प्रमुख किस तरह से खेतीबाड़ी करते थे। हालांकि इसके साथ साथ एक ऐसा और वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें डेरा प्रमुख के पर्सनल ड्राइवर रहे और डेरा सच्चा सौदे में पूर्व साधु रहे गुरदास तूर ने पहले ही डेरा बाबा राम रहीम के खिलाफ कई अहम खुलासे किए थे। लेकिन अब इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि खेती बाड़ी करना एक ड्रामा है, जिसके संबंध में किसी भी हालत में डेरा मुखी को पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। इसी के साथ आइए देखते हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। गुरमीत राम रहीम का खेती करने का जो बहाना बनाया है, आज तक गुरमीत राम रहीम ने कभी भी इस तरीके की खेती नहीं की। जब से ये सिरसा के अंदर गद्दी पर बैठा है तब से कभी किसी तरीके की कोई खेती नहीं की। ये दिखावा करता रहा है, मूवी बनाता रहा है, ये एक एक्टिंग करता रहा है खेती करने की, जबकि खेती इसने अपने तरीके से नहीं की। जो इसके जाने के बाद में अच्छी तरीके से खेती चल रही है, तो इसका एक बहाना बना के वहाँ पे आना, ये एक क्लियर है कि किस तरीके से ये कुछ भी करने के लिए तड़प रहा है, और उसके लिए इसका साथ ना देना, मेरी सरकार से यही गुजारिश है।